हम गाड़ी उधर देखते हैं।
Llame en las tardes, ¿valuda? ¿Esto es aquí? Yeah.
जयगाउँ को दाजु मलाई फोटो खिच्नु छ उला जी मलाई भेट्नु छ हुन्छ हुन्छ आइए भाई आइए मोहन शर्मा जिंदाबाद 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 हमारा नेता कैसा हो मोहन शर्मा कैसा हो हमारा नेता कैसा हो मोहन शर्मा कैसा हो मोहन भैया जिंदाबाद 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 मोहन भैया जिंदाबाद 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 जय श्री राम Beep.
वन कस्तो हुन्छ चलो कस्तो माता की जय। इस जनसभा में इस मंच में अभी तक जो उपस्थित हैं माननीय हमारे सर्वभारतीय मंत्री श्री अरविंद मेनन जी,
सम्माननीय हमारे यहाँ के सांसद जॉन बारला जी, मोहन शर्मा जी आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं भारतीय जनता पार्टी अलीपुर द्वार जिला की ओर से मोहन भैया को भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूँ और माननीय श्री सर्व भारतीय संपादक अरविंद मेनन जी को, मोहन शर्मा जी को झंडा देकर के भारतीय जनता पार्टी में जुक्त करने का आह्वान करता हूँ। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी को यहीं से नमन, और नमन करते हुए उपस्थित मंच में आसीन हमारे सांसद जॉन बारला जी, हमारे जिला के अति आदरणीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय दाजू गंगा प्रसाद जी, मंच में आसीन हमारे अरविंद मेनन जी, आदरणीय अरविंद मेनन जी भाई साहब। अरे दादा हम लोग को हटा लेंगे फिर तो आप लोग कर लीजिए। श्री खगेन मुर्मू जी, श्री गंगा प्रसाद शर्मा जी, जॉन बारला, नमस्कार। जहाँ हमारे सब युवा भाई बहन अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बड़ा सौगात होगा नॉर्थ बंगाल को, क्योंकि नॉर्थ बंगाल को हमेशा लूटा है। सीपीएम ने लूटा, उससे पहले कांग्रेस ने लूटा, और पिछले 10 साल से दीदी ने लूटा नॉर्थ बंगाल का। ये हमारा दार्जिलिंग तराई बस बस हमने कर सकते हैं, अमित शाह जी भी आएगा, बस इतना कहते हुए मंच पे उपस्थित सभी को मेरा ओर से नमस्कार प्रणाम जनाता हूँ। मैं आज एक जमीन हो रहा हूँ कि मैं कुछ काम कर सकूं, कुछ जनता के लिए कुछ कर सकूं, इसीलिए मैं आज योगदान कर रहा हूँ भाजपा में। मैं आज अपने आप को गर्वित महसूस कर रहा हूँ। जिस पार्टी में नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता है, अमित शाह जी जैसे नेता है, उस पार्टी में आज मैं योगदान कर रहा हूँ। अपने आप को गर्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे जितने भी समर्थक आज इस कालचीनी क्षेत्र से आए, उन सबको मैं बोलूंगा, थोड़ा हाथ उठा के आप लोग बोलिए कौन कौन आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। हमारा एक ही उद्देश्य, एक ही नारा, आगामी दिन में इस अलीपुर द्वार जिला में 5-0 भाजपा 0 तृणमूल, ये हमको करना है। इसका सबक देना है। मैं मंच पे बैठे हुए नेतागण को आश्वासन देना चाहता हूँ, बहुत हृदय में बहुत पीड़ा है, बहुत वेदना है, बहुत असम्मानित हुआ हूँ, उसका बदला आगामी 10 तारीख पूरे जिला में लेकर भाजपा को 5 सीटों में जिताने के लिए जितना भी कार्य करना पड़ूंगा मैं मोहन शर्मा मैं करूंगा। और एक बात बोलना चाहता हूँ सभी भाजपा जो नेतृत्व को कार्यकर्ता को जो पहले से है, मैं यह नेता हुए नहीं आया हूँ, मैं नेता हूंगा भी नहीं। मैं भाजपा का एक साधारण कर्मी होकर आगामी दिन में भाजपा का सेवा करूंगा, उसी को लेके मैं इस क्षेत्र का जनता का सेवा करूंगा। इतना ही बोलकर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जिला के सभापति मेरा छोटा भाई गंगा प्रसाद शर्मा जी को, और एक छोटा भाई सांसद मेरा जॉन बारला जी को, यहाँ पर राजू बिष्ट जी भी है, और सबके नाम में अब भविष्य में लूंगा, क्योंकि सबका नाम अभी मैं मुझको आता भी नहीं, मैं पहचान भी नहीं है। सबको मेरा उससे धन्यवाद देते हुए मैं अनुमति लेता हूँ। हम लोग सब 500 में 500 सीट जिताने में काम करेंगे ना, एक पक्की बात। तो मैं विशेषकर मेरे साथ आए हुए भाइयों को बोलना चाहता हूँ, ये इज्जत आज मोहन शर्मा का भी इज्जत हो गया है। हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे, चले एक साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत।
धन्यवाद। चले अगर अच्छा जिंदगी जिए के थले कल के खबर देखे जे दीदी भये काट ले गेछे दीदी आरेकटा जायगा थेके लड़ाई ठीक करेछे दीदी गेछे उत्तरबंग थेके आमरा तो सेमीफाइनले दीदी के हारिए दिएछिलाम एइबार फाइनले दीदी के एकदम पुरो माठेर बाइरे फेले देबो उत्तरबंग अमित शाह जी स्वागतम अमित शाह जी स्वागतम अमित शाह जी से मातरम वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद 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 अमित शाह जी स्वागतम 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 अमित शाह जी स्वागतम 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 अमित शाह जी स्वागतम संकल्प की मुट्ठी बिछिए और प्रचंड आवाज में बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे सांसद खगेन मुर्मू जी एक चार मंत्री अरविंद मेनन जी मध्य प्रदेश के दिग्गज आदिवासी नेता फगन सिंह कुलस्ते जी श्री विल्सन चंपामारी जी मनोज टिक्का जी गंगा प्रसाद जी किशोर वर्मन जी मोहन शर्मा जी खिलने वाला है कमाल राजेश बारला जी राम विलास गोयल जी वीरेंद्र बारा जी श्री जयंत रॉय जी श्री नीलेश रंजन मिश्रा जी और आज इस चिलचिलाती धूप के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाई
भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मैं नमस्कार करता हूं। निश्चित हो चुकी है मित्रों, मुझे गर्व है कि गलवान में शहीद हुए शहीद विपुल रॉय की और शहीद राजीव थापा की धरती पर आकर आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा। विपुल रॉय और राजीव थापा जैसे शहीदों के कारण ही आज भारत माता पूरे विश्व के अंदर उन्नत मस्तक के साथ विश्व के सामने खड़ी है। मित्रों, उत्तर बंगाल के पूज्य मनीषी पंचानंद वर्मा जिसे रॉय साहब भी कहते हैं, उनको मैं भी याद रखकर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। अमर शहीद दुर्गा मल्ला वीर चिला रोय इनकी ये भूमि है। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था हरे भरे चाय बागान प्राकृतिक संसाधनों से भरी भरी ये भूमि, मगर सूर्य को कोई नामो निशान नहीं। मित्रों, पहले कांग्रेस फिर वाम दल और फिर ममता ने उत्तर बंगाल को अन्याय के अलावे कुछ नहीं किया, उत्तर बंगाल के गोरखा भाइयों पर अत्याचार करने का काम किया। अगर आप परेशान मत होइए, 2 तारीख को 10 बजे काउंटिंग चालू होगा, 11 बजे भारतीय जनता पार्टी की लीड होगी, 2 बजे दीदी गई। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली और मोदी जी के नेतृत्व में ये उत्तर बंगाल की सारी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करने वाली। अरे भैया, सिक्योरिटी वाले पर्दा फाड़ कर लोगों को अंदर बुला लो, जरा फाड़ डालो पर्दा, फाड़ डालो पर्दा, आ जाओ खुद कर अंदर, दिखाई पड़ता है अब, ऊपर का भी हटा लो पर्दा। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं, दो चरण मतदान हो चुका है और 2 चरण के मतदान में 60 सीटों पर मतदान हुआ है, 60 में से 50 सीट कमल खिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी। मैं उत्तरी बंगाल में इसलिए आया हूं कि यहां पर तो 60 में से 50 नहीं चलेगी, यहाँ 50 में से 50 की 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये दीदी बंगाल की जनता को डराती है, खेला होवे। अरे दीदी, क्या खेला होवे, तेरे खेले से नहीं डरते हैं, जितनी ताकत हो इतनी जमीन पर उठेल दो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टक्कर लेने के लिए तैयार। 2 चरण में बंगाल की माता और बहनों ने दीदी को गुंडों को उल्टे, दीदी ने बंगाल की मां ने बेटी ने गुंडों को उल्टे पैर भगाने का काम किया है। मैं उत्तर बंगाल की जनता को भी कहने आया हूं, डरना मत, मेरा विश्वास करिए, कोई भी गुंडा आपको परेशान नहीं कर पाएगा, आपके बूथ पर नहीं आ पाएगा। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है,
आदिवासियों के जल और जंगल और जमीन की रक्षा की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया था। मित्रों, मोदी जी ने डीएमएफ फंड जैसी योजना लाए, एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए और ढेर सारी योजना हम लेकर आए। मित्रों, मैं आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में कहकर जाता हूँ, गोरखा की 11 की 11 उपजातियों को आदिवासी स्टेटस देने के लिए चाय बागान के मजदूर इतने सालों से मांग करते थे, मगर उनकी मजदूरी बढ़ाई नहीं जाती थी। 2017 तक सिर्फ 176 रुपया रखा है, क्योंकि दीदी आपका भला नहीं चाहती है। मैं आपको कहने आया हूं, श्रमिकों की मजदूरी को 350 तक ले जाने का कहना। आप 2 तारीख को दीदी की विदाई कर दो, उत्तर बंगाल में एम्स बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उत्तर बंगाल में चाय के औषधीय गुणों पर मेरी बात ध्यान से सुनना, चाय एक माने में दवाई भी है। चाय के औषधीय गुणों के अनुसंधान के लिए एक चाय पार्क बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चाय बागान, सिंकोना गार्डन, फॉरेस्ट विलेज, डीआई के निवासियों को आज तक पट्टा किसी ने नहीं दिया। दिया है पट्टा भाई, दिया है। 2 मई को दीदी को विदाई कर दो, हम नवंबर के पहले सबको पट्टा देने का काम। जितने भी असंगठित मजदूर है, मेरे जॉन जैसे हैं, वो सभी को कल्याण के लिए असंगठित मजदूरों का एक बोर्ड बनाकर उनके कल्याण के लिए हर साल 2-4 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ाए। मित्रों, मोदी जी ने इस बजट के अंदर 1,000 करोड़ का फंड बनाया है। हर चाय बागान के अंदर उनके रहने के मकान, उनके अस्पतालों की व्यवस्था और बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था 1,000 करोड़ रुपया से होने वाली है। 1,000 करोड़ से मित्रों, सचो ही है ना, मगर दीदी के दिल से 7,000 किलोमीटर दूर है। वो कभी उत्तरी बंगाल की चिंता ही नहीं कर सकती। हम कहते हैं दीदी, आपको करना हो तो करो, अब आपका समय समाप्त हुआ है। मोदी जी के दिल में मेरे उत्तर बंगाल वाले बसते हैं, इसकी चिंता हम करेंगे। मित्रों, हम यहाँ पर और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इसके साथ साथ नारायणी सेना की एक बटालियन बनाएंगे, जिससे मेरे गोरखा और राजवंशी भाइयों को नौकरी मिलेगी। मित्रों, हम जैविक उत्पादनों के लिए 500 करोड़ का एक कोष बनाकर पहाड़ों पर बागवानी की शुरुआत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, दार्जिलिंग हिल्स, सिलीगुड़ी, तराई और डुवर्स क्षेत्र के मुद्दा जो है, इसके स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित प्रयास करेगी। हम बांग्ला के साथ नेपाली और राजवंशी भाषाओं को भी राज्य की सहभाषा बनाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, नेपाली फिल्म भाषा की फिल्म को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए के पुरस्कार, गीत लिखने वाले, दिग्दर्शक,
एक्टर संगीत वाले सबको 5 करोड़ रुपए का पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी की बंगाल शाखा ने, और इसके अलावे नेपाली भाषा के फिल्मों वाले के लिए हम सब्सिडी का भी आयोजन करने वाले हैं, और एक चैनल रेडियो का नेपाली भाषा में संपूर्ण नेपाली भाषा में बनाने का काम गरीबों के लिए कह रही है। 13 करोड़ गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, 10 करोड़ से ज्यादा माताओं को घर में टॉयलेट की शौचालय की व्यवस्था करी, 2.5 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा खर्चा आज मोदी सरकार दे रही है, कोई भी बीमारी हो 5 लाख। भैया आप लोग क्यों ताली बजा रहे हो, आपको नहीं मिलता, ये दीदी नहीं मिलने देती है, दीदी वो भी नहीं मिलने देती। अब तक आपको 18,000 रुपया मिल गया होता किसानों को, कितना मिल गया होता, जोर से बोलो कितना, आपका रुपया चला गया, मगर आप जी मत चलाई। यहाँ 2 तारीख को मोदी सरकार आएगी, बाद में 18,000 रुपया एक साथ आपके बैंक अकाउंट में, हर एक सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग मिलेगा मिलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, शिक्षकों की तनख्वाह के लिए भी हम आगे बढ़ाएंगे, भूमिहीन मजदूरों के बच्चों को ग्रेजुएट तक की शिक्षा मुफ्त देंगे। ये सारी दीदी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, आप लोग बस में बैठते हैं तो टिकट लेना पड़ता है ना, आपको लेना पड़ता है ना, बताइए माताएं बहनें लेना पड़ता है ना। 2 मई को दीदी गई, आपकी टिकट भी गई, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी, उनकी भव्य मूर्ति लगाने का काम भी हम करेंगे। मित्रों, ये दीदी के गुंडों ने टोलबाजी बहुत करी, सिंडिकेट चलाई, अम्फान का पैसा लूट खाया है, गोरखाओं पर अत्याचार करा है, भारतीय जनता पार्टी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या करी है। दीदी के गुंडों, को सरकार बनाने के बाद जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो कोयला माफिया हो, बालू माफिया हो, पानी टैंकर माफिया हो, भर्ती घोटाला करने वाले हो, चाहे वो गौ तस्करी करने वाले। मित्रों, माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, मुझे बताओ, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए, घुसपैठ हमारे युवाओं की रोजगारी ले जाती है या नहीं ले जाती है, गरीबों का चावल ले जाती है या नहीं ले जाती है, क्या दीदी घुसपैठ रोकेगी, बताओ भाई रोकेगी क्या, आप दीदी को बदल दो, इंसान तो क्या परिंदा भी घुस नहीं पाएगा, ऐसा बंगाल है। जितने भी शरणार्थी है वो सारे शरणार्थियों को सम्मान के साथ भारत की नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। मित्रों, हम SIT बनाकर दीदी के ढेर सारे गलत काम करने वालों को जेल में डालने का भी काम करने वाले हैं। मित्रों, में आप सभी को यही कहना है, हमारे उत्तर बंगाल को इतने सालों तक गोरखा भाइयों को, राजवंशी भाइयों को, आदिवासी भाइयों को इतने सालों तक अन्याय सहना पड़ा है, सौतेला व्यवहार किया है, लोकसभा में आपने मोदी जी पर भरोसा जताया, मगर अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर एक ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी के हाथ मजबूत करे।
आप लोग हमारे सारे प्रत्याशी प्रत्याशी आ गया हो जो है आ गया हो जब ऐसे नहीं जीतेंगे। जिताओगे क्या? कमल के फूल पर बटन दबाओगे क्या? घुसपैठ मुक्त बंगाल बनाओगे क्या? भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनाओगे क्या? गोरखाओं और राजवंशियों का कल्याण करने वाली सरकार बनाओगे क्या? मित्रों ये सारे काम करने हैं तो उत्तर बंगाल में घुसने देंगे? मैं आज एक समाचार देकर जाता हूँ, किसी को कहना मत, खानगी बात है, गोपनीय बात है, मगर मैं माइक में कह देता हूँ, दीदी नंदीग्राम में हार चुकी है। कल जो नजारा आप सबने देखा है वो नजारा बताता है कि दीदी नंदीग्राम में हार चुकी है, मगर किसी को बताना मत। नहीं बताएंगे ना, नहीं बताएंगे ना। इतने सारे लोग आए हैं, 50,000 संख्या है, 50,000 से ज्यादा है शायद। मुझे बताओ भाई, इतने वोट से पूरे बंगाल की सरकार बनती है क्या? बनती है क्या? बनती है क्या? माताएं बताइए, बनती है? कम पड़ेंगे ना तो फिर क्या करोगे? एक आइडिया है मेरे पास, बताऊं? बताऊं करोगे? आप सबके पास फोन है, जिसके पास फोन है हाथ ऊपर करे जरा। देखो सबके पास फोन है ना, तो ये सभा समाप्त होते ही 50 लोगों को फोन करना है, चाचा को, चाची को, भाई को, बहनोई को, बहन को, बहनोई को, फूफा को, फूफी को, काका को, काकी को, दोस्त को, दोस्त की पत्नी को, सबको फोन करना है 50 लोगों को, और कर कहना है कि कमल के निशान पर बटन दबाइए। कहेंगे आप? पक्का कहेंगे? कमल की सरकार बनाएंगे? ये दोनों लोगों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे? मैं आपको विश्वास देता हूं कि आदिवासियों के साथ, गोरखाओं के साथ, राजवंशियों के साथ अब अन्याय नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मित्रों मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मोदी जी को जिताने का संकल्प का मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। আমি তো কর্মী, আমি বললাম আর কি, আমার যে নেতারা আছে, নেতারা যেভাবে আমাকে কাজ লাগাবে। Thank you.
उताबाट गाडी आइपुग्नुहोस् ल, अन्त जाउँ ल एक जोडी। हाम्रो गाडी उता हामी हिँड्ने आस्ते आस्ते बाबुदा यस्तो छ कि।